बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रेड 9, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू आर मोर देन टू वेक्टर। यू विल ओपन पेज नंबर 104 ऑन योर बुक्स एंड यू कैन फाइंड द डेफिनेशन ओवर देयर। इट इज बोल्ड ब्लैक। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ फोर्स वेक्टर इनटू टू आर मोर फोर्सेस वेक्टर। आपके पास कोई एक वेक्टर हो फोर्स की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, आप उसको एक या एक से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिट कर दो, उसको ब्रेक कर दो, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसकी मैं आपको एग्जांपल से ऐसे समझाता हूं। आपने एग्जांपल देना है, लेट अस कंसीडर, जो बात मैं बोल रहा हूं डिक्टेट करवा रहा हूं वो आपने लिखने है एक्सप्लेनेशन में। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए व्हिच वेक्टर ए व्हिच इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, व्हिच इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जो ए से बी की पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। बट आई विल सेपरेट इट टू लाइक वन, फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम ए टू सी, देन आई विल गो फ्रॉम सी टू डी, देन आई विल गो फ्रॉम डी टू बी। ओके, नाउ द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज सेम एज द प्रीवियस वन। पहले भी मैं ए से बी तक गया था ए वेक्टर की मदद से। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास वेक्टर बी है, ये मेरे पास वेक्टर सी है, ये मेरे पास वेक्टर डी है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले भी मैंने इसी पॉइंट पे आया था, अभी भी मैं इसी पॉइंट पे आया हूँ। इसका मतलब है ये जो एक सिंगल वेक्टर था ए, ये इन तीनों के बराबर है, यानी कि बी सी और डी। तो यहाँ पे मैंने आप लिखोगे लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए व्हिच पॉइंट फ्रॉम ए टू B. Then I will go from A to C, C to D and D to B and I make a three new vector from that vector. So आप इसके बाद ये equation लिखोगे। This equation says that I separate a single vector A into three vector B, C and D. This process is called resolution of vector. ये जो मैंने dictate किया यही आपने notebook पे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया किस तरह मैंने एक वेक्टर को सेपरेट करके तीन वेक्टर, यानी कि यहां पे जो मेरे पास ये एक वेक्टर है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस एक वेक्टर को तोड़ के मैंने तीन बना दिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंडिंग आप तोड़ोगे दैट इज द रेक्टेंगुलर, अच्छा नो सॉरी, इसके बाद आप ये एडिंग दोगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट से क्या बराबर है, ठीक है। इस डेफिनेशन में आपको डिक्टेट करवाता हूं। द न्यू वेक्टर व्हिच आर ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन करने के बाद आपको जो नए वेक्टर मिलते हैं उन नए वेक्टर को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जिस तरह आप यहां पे देख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर बी सी एंड डी, आप नीचे नई लाइन से लिखोगे इन अबव एग्जांपल The component of a single vector A are B, C and D. ये आपके पास नए वेक्टर मिले हैं और इनके कंपोनेंट्स जो है अभी बी सी डी आपके पास कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन इन कंपोनेंट की कुछ स्पेशल एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आई विल डिक्टेट यू द डेफिनेशन, लिसन वेरी केयरफुली। The type of component of vector which are perpendicular to each other that are called rectangular component. ऐसे vectors या ऐसे components जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल perpendicular हों that are known as rectangular component. Again I am dictating you the component of vector which are perpendicular to each other are called rectangular component. उसके बाद आप adding दोगे explanation की। देख लो मैं आपको एडिंग बता रहा हूं, पहली एडिंग, फिर उसके बाद एग्जांपल दूसरी एडिंग, फिर ये तीसरी एडिंग, चौथी एडिंग, नाउ फिफ्थ एडिंग इज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यू विल राइट, आई एम प्रिपेयरिंग यू एन एग्जांपल और फिर उसका डायग्राम भी बनानी है। लेट अस कंसिडर अ वेक्टर एफ, let us consider a vector f which is making an angle theta with the x axis,
which is making an angle with the x axis. ये आपके पास x axis है, जबकि ये आपके पास y axis है, vertical axis, horizontal axis. तो आप लिखोगे explanation में, let us consider a vector f which is making angle theta with x axis. Now we will resolve the f vector into two vector. First I will go, for example, this is point 0, this is point A. First I will go from point O to B, and then I will go from point B to A. You can see that आपको समझ नहीं आ रही कि लिखना क्या है. मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ. इसमें आप लिखोगे let us consider a vector f which is making an angle theta with the horizontal. I will resolve the vector f into two components, which is fx and fy. उसके साथ आप लिखोगे in this case the vector fx is perpendicular to vector fy, so that's why these are the rectangular component of vector. ये क्यों rectangular component है? क्योंकि fx और fy एक दूसरे के साथ perpendicular हैं. That's why these आप देख सकते हो ये दोनों दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे these are rectangular component. ठीक है, उसके बाद आप दूसरे fifth के बाद अब आप next heading जो लोगे heading number 6 है, heading number 7. 6 heading दोगे horizontal component. ठीक है, उसके बाद आपने ये हेडिंग दे दी है और आई एम डिक्टेटिंग यू डेफिनेशन. द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. इन अवर एग्जांपल एफ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और फिर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वेशन भी ड्राइव करनी है. ठीक है, वो हम आगे ड्राइव करेंगे. ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं. अब इसके बाद आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी बी. ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही है विच इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये कौन सी एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो थीटा के सामने साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो नीचे साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, जबकि स्टेडी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. मैथमेटिक्स में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा का. वी विल राइट दैट कॉस थीटा इट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. नाउ कॉस थीटा इट इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे आपको बेस नजर आ रही है, बेस की जगह पे आपके पास जो वेक्टर लिखा हुआ है एफ एक्स है, जबकि हाइपोटेन्यूज पे आपको नजर आ रहा है जो वेक्टर लिखा हुआ है दैट इज एफ. अब यहाँ पे एफ डिवाइड हो रहा है, ये एफ जब ऊपर जाएगा तो ये एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे एफ एक्स अकेला रह जाएगा. सो आई विल राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है. ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके नीचे उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है. ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. Now I am going to tell you about the vertical component. आपके पास जो seventh heading होगी that is vertical component. Okay? Vertical component की आप definition लिखोगे the component of a vector, vector का वो वाला component जो कि आपके पास component का वो वाला vector वो वाला एंगल का वो वाला कंपोनेंट जो आपके पास द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस. आप यहां पे देख सकते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ठीक है, उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट का नाम देते हैं. द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट. अब आप इसकी भी इक्वेशन ड्राइव करोगे इन ट्राइंगल ओ पी बी.
जो कि आपके पास इस वक्त एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है फॉर्मूला साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप उस डायग्राम में देखें, आपको जो परपेंडिकुलर है वहां पे कौन सा वेक्टर है, परपेंडिकुलर के साथ जो वेक्टर आपको लिखा हुआ नजर आएगा वो एफ वाई है, जबकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है वो आपके पास एफ है, जबकि आपके पास यहाँ पे साइन थीटा है। अब ये एफ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और यहाँ पे एफ वाई एज इट इज रह जाएगा। अब हम इसको अरेंज करेंगे, एफ वाई इट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस तरह हमने वर्टिकल कंपोनेंट की भी इक्वेशन ड्राइव कर दी है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, पूरे टॉपिक में आपने सात हेडिंग्स लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन की एक एग्जांपल लेनी है जिसमें आपने बताना है ए वेक्टर को आपने सेपरेट करके बी सी और डी में कन्वर्ट किया है। फिर आपने कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर साथ बताना है कि हमारी एग्जांपल में बी सी और डी जो है वो ए के कंपोनेंट्स हैं। फिर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिफाइन करना है कि जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक्सप्लेनेशन हेडिंग देके आपने की डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है जिस तरह मैंने भी आपको डिक्टेट करवाया है। एक्सप्लेन करने के बाद आपने बताना है कि एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की दोगे, आपने उसकी डेफिनेशन लिख के उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। वर्टिकल कंपोनेंट की हेडिंग दे के आपने उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।